कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं विद्याधर वर्मा, आज कक्षा 4 की हिंदी की बुक रिंजिंग का लेसन पढ़ रही। ये सिर्फ पढ़ने के लिए है, लेसन नहीं है। पेज नंबर 21 पे पोइम है, कोई लाके मुझे दे। ये कविता है, इसके कवि हैं दामोदर अग्रवाल। इस कविता में छोटे बच्चे जिद कर रहे हैं, यानी तरह तरह की जो चीजें उनको लेने की जिद करते हैं। जैसे बच्चे बचपन में कुछ भी ऐसी चीज मांग लेते हैं तो असंभव होती है। जैसे कई बच्चे जिद करते हैं कि हमें चांद चाहिए, तारे चाहिए। इस तरीके से इस कविता के अंदर भी दामोदर अग्रवाल जी ने बच्चे के माध्यम से उसके बचपन में बच्चा किस किस तरीके की चीजें मांगने के लिए जिद करता है, उसी पर एक बहुत ही सुंदर होई हुई इसको गीत की तरह भी हम गा सकते हैं। तो ये सिर्फ पढ़ने के लिए है, इसके दूसरा अंतरा भी नहीं है। तो मैं एक बार इसको आपको पढ़ के सुनाता हूँ, हम किस तरीके से इसको पढ़ें। कविता का नाम है कोई लाके मुझे दे। जैसे कुछ रंग भरे फूल, कुछ कटे मीठे फल, थोड़ी बांसुरी की धुन, थोड़ा जमुना का जल, कोई लाके मुझे दे। एक सोना जड़ा दिन, एक रूपों भरी रात, एक फूलों भरा गीत, एक गीतों भरी बात, कोई लाके मुझे दे। एक छाता छाँव का, एक धूप की घड़ी, एक बादलों का कोट, एक धूप की छड़ी, कोई लाके मुझे दे। एक छुट्टी वाला दिन, एक अच्छी सी किताब, एक मीठा सा सवाल, एक नन्ना सा जवाब, कोई लाके मुझे दे। तो बच्चा कह रहा है कुछ रंग भरे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल, थोड़ी बांसुरी की धुन, थोड़ा जमुना का जल, कोई लाके मुझे दे। दामोदर अग्रवाल जी बच्चे के माध्यम से कह रहे हैं कि मुझे रंग बिरंगे फूल, खट्टे मीठे फल हमें कोई ला करके दे। बांसुरी की धुन, बांसुरी तो मिल सकती, बांसुरी की धुन कैसे मिले? मतलब ऐसी चीज जो बच्चा वो मांग कर रहा है, थोड़ा जमुना का जल कोई लाके मुझे दे। जमुना यानी यमुना नदी के जल के लिए कहा है। तो बच्चा इन सब की मांग कर रहा है। एक सोना जड़ा दिन, एक रूपों भरी रात, एक फूलों भरा गीत, एक गीतों भरी बात, कोई लाके मुझे दे। सुनहरा दिन, बच्चा क्या मांग रहा है? सुनहरा दिन, सोने जैसा चमकने वाला दिन, सोना जैसे येलो कलर का होता है, सोना धातु होती है। बच्चों अपनी मम्मी या अपने बहने आदि बनाते हैं, बहने वगैरह घर पे परिवार में पता करें सोना क्या होता है, कैसा होता है देखना। एक सोना जड़ा दिन, एक रूपों भरी रात, बहुत ही सुंदर रात, एक फूलों भरा गीत, इसमें ऐसा गीत जिसमें फूलों की बारिश होती है, एक गीतों भरी बात, ऐसी ऐसी बात जिसको बोलने में गीत गीतों से भरी हुई कोई बात मुझे ला करके दे। अगला है एक छाता छाँव का, एक धूप की घड़ी, एक बादलों का कोट, एक धूप की छड़ी, कोई लाके मुझे दे। एक छाता छाँव का, छाता तो कपड़े आदि का बना होता है, लेकिन बच्चा किस किसके छाते की मांग कर रहा है? छाँव, छाया का छाता मुझे दे। धूप की घड़ी, धूप से बनी हुई घड़ी, ये तो असंभव है। एक बादलों का कोट, बादल जो छाते हैं आसमान में उनका बना हुआ कोट है, सूट कोट पैंट कोट। एक धूप की छड़ी, धूप यानी एक एक तरह का घास होता है, धूप का जैसे पारा पाती भी लगाते हैं, बिल्कुल मुलायम घास होता है धूप, उसकी
छड़ी लकड़ी कोई लाके मुझे दी है, तो इन सब चीजों की तो बनना ही असंभव होता है। लेकिन बच्चा मांग कर रहा है तो पहले बच्चों आपने भी जिद करी होगी ना कभी किसी चीज के लिए, तो ऐसे ही बच्चा भी कह रहा है। एक छुट्टी वाला दिन की अच्छी सी किताब, एक मीठा सा सवाल, एक नन्ना सा जवाब, कोई लाके मुझे दी। अगले बच्चा क्या मांगा, एक छुट्टी वाला दिन, तो छुट्टी वाला दिन इतना अच्छा होता है बच्चों के लिए। एक अच्छी सी किताब, बहुत ही प्यारी सी अच्छी सी किताब, एक मीठा सा सवाल और एक मतलब बहुत ही मधुर जो सवाल है प्रश्न, और उसका जवाब भी बिल्कुल नन्ना सा, कोई लाभ मुझे दे। तो ये थी बहुत ही सुंदर प्यारी सी कविता, ये आपको कंठस्थ करनी है और इसको सुनना है बार बार और सीखना है। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी पोएम कोई ला करके मुझे दे। तो बच्चों आपने भी अपने घर में कोई ऐसी चीज़ के लिए जिद की होगी, आप कल्पना करो, अब सोचो है? और अपने घर परिवार से वालों से पूछो कि आपने ऐसी कोई चीज़ जो देनी असंभव है ला करके देनी, उसके लिए कभी जिद की है क्या? तो आपने भी हो सकता है कोई ऐसी चीज़ के लिए जिद की हो। बच्चे सभी करते हैं, बच्चे ना समझ होते हैं, उनको पता नहीं होता ये सब चीज़ें, कोई मिल भी जाती है कोई नहीं भी मिलती है। ऐसा होती जैसे बच्चे रोने लग जाते हैं जब रात में चंद्रमा दिखाई देता है, कहते हैं वो मुझे चाहिए, अब ये तो असंभव है। इसी तरीके से ये दामोदर अग्रवाल जी ने बहुत ही सुंदर कविता की रचना की है, जो आप सबके लिए है, इसे पढ़ने के लिए है, इसका लेसन भी है, लेसन 3 के आगे पेज नंबर 24 पर है, इसको आपको ये